अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी बहुत ही यम्मी सी मज़ेदार सी चिकन स्टर रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है बोनलेस चिकन 400 ग्राम है। इस तरह आप क्यूब्स कट कर लें और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा और 1.5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह जो है ना आप ऐड कर लें। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों से बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूं और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूं। तो इसमें अब जो है हमने 1 टीस्पून चिली हॉट सॉस, रेड चिली हॉट सॉस इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद जो है 1 टीस्पून सोया सॉस। इस तरह सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद इसमें हमने फ्रेश काली मिर्च, मतलब इस तरह जो है ना कोटी हुई जो होती है काली मिर्च, वो ऐड करनी है, पाउडर नहीं ऐड करना। तो काली मिर्च जो है 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जो है हम पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इस तरह ऑयल ऐड कर लें। ऑयल ऐड करने के बाद जो है हमने चिकन को फ्राई करना है। तो अच्छी तरह जो है चिकन को हम फ्राई करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस और मज़ेदार सी वीडियोस आपको आसानी से मिलती जाएं। तो चिकन हमारा जो है देखें फ्राई हो रहा है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा है चिकन के ऊपर और चिकन ऑलमोस्ट हमारा जो है रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। सर्दियों में जो है ना ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार लगती है क्योंकि लाइट वेट खाने का दिल करता है। तो इसको आप फ्राइड राइस के साथ जो है सर्व करें या वाइट राइस के साथ खाएं तो बड़े मज़े के लगते हैं ये ना। तो चिकन जो है हमने निकाल लिया। अब इसी ऑयल में ही हमने चॉप जिंजर एंड गार्लिक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, मतलब फ्रेश जिंजर गार्लिक हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून और 3 से 4 अदद जो हैं हरी मिर्च हमने काट के इसमें ऐड करनी है। इसको हमने 1 से 2 मिनट जो है ना हमने इसको फ्राई करना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छी सी जो है ना एक खुशबू आ जाए। तो अब इसमें 1/2 कप हम हरी प्याज ऐड करेंगे और 1/2 कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो इस तरह आपने कट करके जो है इसमें ऐड करनी है और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद जो है आपने इसमें रेड चिली हॉट सॉस ऐड करनी है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ऐड करने के बाद इसमें हमने सोया सॉस दोबारा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें सोया सॉस जो है 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और नमक जो है 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने नमक ऐड करना है 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद जो है 1 टीस्पून शुगर भी ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, अगर कुछ चीज़ आप लोग को समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना मेंशन है। तो नमक और शुगर हमने ऐड कर लिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें आप। तो मिक्स करने के बाद जो है अब हमने इसमें जो हमने फ्राई चिकन किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद आपने जो है इसको अब 2 से 3 मिनट हम इसको अब स्टर करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और इसको आप फ्राइड राइस के साथ सर्व करें गरम गरम। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम।